तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास में दोस्तों आपका 3 दिसंबर को होने वाला आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो चलेगा दोस्तों हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका 3 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है आज हम पूरा का पूरा हिंदी विषय का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर 3 दिसंबर को होने वाला है इसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाए ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके और दोस्तों आप सभी लोग आपका हिंदी विषय में पूरे लेकर आ सको। तो देखिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और सबको दोस्तों आपको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा इसमें दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाइएगा तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या दोस्तों 8 होगी और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का और कुल प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 23। देखिएगा हिंदी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये इसके लिए पूरी तरह से आप लोग यहाँ से निर्देशों को पढ़ देख और समझ सकते हो। देखिएगा यहाँ पर कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी और दोस्तों पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक 2 अंक वाले प्रश्न होंगे और प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहां से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपका कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर के पूरे सोल्यूशन को जो कि दोस्तों आपका 3 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे के पूरे पेपर के सोल्यूशन को। तो दोस्तों देख सकते हो ये रहा आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। चलेगा जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों सम्मान का जो शब्द होगा इसके जैसा वो हो जाएगा आपका आदर। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन कबीर कर्मकांड के थे, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विरोधी। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो देखिएगा दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया दोस्तों वर्णों के सार्थक योग को कहा जाता है शब्द, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों शब्द। उसके अलावा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए हैं, किस में पहुँच गए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गद्गदे में। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, देखिएगा दोस्तों क्या माने जाते थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आपको लिख लेना साहब, क्या माने जाते थे मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं रिक्त स्थान से सही शब्द चुनकर लिखिए, तो देखिएगा छत चढ़ने के लिए चाहिए, तो देखिएगा दोस्तों ये आपको क्या आ जाएगा जीना। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है ये वाला जीना ना लिखिए आप, देखिएगा दोस्तों ये वाला लिखे, ये वाला जीना होगा आपका छत चढ़ने के लिए, कौन सा जीना आता है, तो देखिएगा आप सब लोग इसके ऊपर चिन्ह लगा लें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन रसकांत चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो पर्वत का कौन से पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का। उसी के अलावा दोस्तों काव्य के भेद होते हैं, तो देखिएगा दोस्तों काव्य के 2 भेद होते हैं खंड काव्य और महाकाव्य। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, तो उसको दोस्तों अनपढ़ कहा जाता है, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, तो देखिएगा दोस्तों सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक है वो, जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द, तो देखिएगा दोस्तों इसको कहते हैं वाचाल। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो इस जगह से दोस्तों आप सभी को यहाँ से जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेना है, तो देखिएगा दोस्तों जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर लेना है, कैदी और कोकिला, तो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी के पीपर पर सरिस्मल डोला, इसमें दोस्तों आपका यमक अलंकार है, 2 बेलों की कथा दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद के फटे जूते ये दोस्तों हरिशंकर परसाई की रचना है, बादल की जोड़ी मिल जाएगी दोस्तों घन से,
और मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहां से जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लें। देखिएगा दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री होता है और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है इसमें से दोस्तों आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों पहला जो सत्य असत्य दिया गया है आप सब लोग यहाँ से इसको लिख लें, ये पहले नंबर का आपका सत्य हो जाएगा और दूसरे नंबर का दोस्तों आपका असत्य होगा, तीसरे नंबर का दोस्तों आपका पूरी तरह से सत्य है और चौथे नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य है और उसके अलावा दोस्तों पाँचवें नंबर का आपका सत्य हो जाएगा और उसके अलावा दोस्तों छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी को इस प्रकार से सत्य असत्य को चिन्ह लगा लेना है। चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें दोस्तों 6-6 ही विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न में 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आप सभी लोग इसको देख पढ़ो और समझ सकते हो, कैदियों के हाथों में क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती है, यहाँ से आपको लिख लेना है कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती है। आप सभी लोग यहाँ से लिख लें हथकड़ियाँ होती है, कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखिएगा दोस्तों जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उस जगह पर दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ये तो आप भी जानते हो। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो देखिएगा दोस्तों लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो यहाँ से आपको लिख लेना है पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप सबको लिख लेना है महाकाव्य में कम से कम दोस्तों 8 सर्ग होते हैं। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो देखिएगा दोस्तों कबीर की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बीजक, आप इस जगह से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इनको कहा जाता है आगत शब्द। कैसे दोस्तों? आगत शब्द इनको कहा जाता है, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में शब्द आते हैं इनको कहते हैं आगत शब्द। तो देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार से आगे आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, कवि को कोयल से इस तरह क्यों हो रही है, कवि रसकान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण के सानिध्य को क्या प्राप्त करना चाहते हैं। पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में दोस्तों इसी प्रकार का बनकर आएगा, जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना होगा अंतिम समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखिए, कहानी एवं उपन्यास में दो अंतर, हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली कैसी है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको समझ लें और कंप्लीट कर लें। A to Z क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देखते चले, टोटल दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें दोस्तों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। तो आप सब लोग दोस्तों इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे प्रकार से कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी को दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।